हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे इम्पेशंस के प्लांट हैं जो कि जिन्होंने मुझे पूरे जाड़ों भर काफ़ी फूल दिए, बहुत सारे फूल दिए, रेड कलर के और वाइट कलर, दो कलर मेरे पास थे इसके। और पिंक भी मैं लाई थी लेकिन वो मेरा ख़राब हो गया था, उसको मैं बचा नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे बहुत सारे फूल दिए हैं और अब इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मौसम गर्म हो गया है और ये विंटर के हैं। हमारे यहाँ इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन्हें बचा पाऊँ। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि इसमें जो है, ये तो मैंने कटिंग से लगाया था, वो वाला है ये, और इसमें रोज़ ढेरों फ्लावर खिलते हैं और ये अभी थोड़ा बेटर कंडीशन में है। तो ये वाला जो है, ये मेरा मदर प्लांट है और ये मैं नर्सरी से सैपलिंग लेकर के आई थी और खूब घना हो गया था ये। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको काश बचा पाऊँ, क्योंकि इससे पहले मैंने लगाए थे तो मैं बचा नहीं पाई थी। तो मैंने अपने जो नर्सरी वाले भैया हैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि कैसे बचा सकते हैं इसको। तो उन्होंने मुझे बताया तरीका कि आप इसको जो है थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दीजिए इसकी, और अगर कटिंग लग जाती है तो उन्हें दोबारा से लगा लीजिए, और अगर नहीं लगती हैं तो कटिंग कर दीजिए तो उसके नीचे से शूट्स आएंगे थोड़े, और अगर आपकी जड़ बच जाती है तो आपका प्लांट बच जाएगा। क्योंकि मौसम हमारे यहाँ बहुत गर्म होता है, 45 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जाता है, 45-48, तो इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर यही किया, मैंने इसकी यहाँ से थोड़ी हल्की हल्की प्रूनिंग करी और प्रूनिंग करके इसकी कटिंग लगा दी है। तो कुछ कटिंग मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएंगी और कुछ उसमें से मुरझा भी गई है, तो हो सकता है वो ना लगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैं इसको बचाने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पास है ये प्लांट तो, और आप भी गर्म जगह पर रहते हैं, तो आपको यही करना होगा और उससे शायद ये प्लांट बच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके मैंने सीड नहीं देखे हैं, मैंने इसको लगाया तो है लेकिन मैंने इसके सीड नहीं देखे हैं। तो पहले मैं आप लोगों से कहती थी कि शायद ये इसके सीड हो, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं है ये सीड हैं इसके या नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये इसके सीड्स बन रहे हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा है, सीड पॉट की तरह है, ये मेरे को लग रहा है एक ये बन रहा है। तो अगर इसके सीड बन गए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और एक ये बन रहा है, देखिए तीन तो मुझे दिख गए हैं और भी हो सकता है बने, ये देखिए एक ये है, चार। तो अगर मेरे पास चार पांच सीड बन गए तो मुझे अगले बार ये प्लांट खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने इम्पेशंस के जो है, अगर आपका मौसम ठंडा है, थोड़ा ठंडे प्रदेश में रहते हैं, तो आप इसको बचा लेंगे, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं बचता है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देख करके कि ये पक्का सीड पॉड ही है, और ये सीड पॉड अगर मेरे सीड बन गए, पाँच छः निकल आए, देखिए एक और दिख गया। तो इस तरीके से अगर ये मेरे सीड पॉड बन गए और मुझे इसके सीड मिल गए, तो मैं इस प्लांट को अगले सीजन में मुझे ख़रीदना नहीं पड़ेगा, और इसके सीड जो हैं वो मैं कलेक्ट करके रख लूँगी। देखिए एक ये दिखा। तो यही जो मैं आपको बता रही थी शुरू से कि ये सीड पॉड मुझे लग रहे हैं, तो यही सीड पॉड हैं, देखिए यही बड़ा हो जाएगा। और ये छोटे छोटे सीड पॉड हैं, ये देखिए फूल गिरने के बाद में ये छोटा है और इस तरीके से ये बड़े हो रहे हैं। तो मुझे भी ये आज ही दिखाई दिए थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए ये छोटा सा सीड पॉड है, ये देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये बड़े वाले हैं। तो इस तरीके से इसके सीड पॉड बन रहे हैं। तो इनको मैं कलेक्ट करके रख लूँगी समय रहते हुए, और इस प्लांट को नीचे भी ले जाके रखूँगी जिससे मैं इसकी जड़ को बचा पाऊँ। तो मेरी कटिंग्स अगर सारी की सारी ग्रो हो जाती हैं, सारी नहीं एक दो भी हो जाती हैं, तो मैं कटिंग से ही इसके प्लांट ग्रो करती रहूँगी और इसको सबसे नीचे जाकर रखूँगी, क्योंकि अभी तो ये मेरा टेरेस पर ही रखा हुआ है। अभी सारे ही प्लांट्स से टेरेस पर हैं विंटर के, तो मुझे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं वो भी नीचे रखने हैं ले जाकर। और बड़ी खुशी हो रही है फ्रेंड्स इसके सीड देख कर, सीड पॉट देख करके। तो अभी तक तो मैं इसकी ये हटा दे रही थी क्योंकि मुझे फ्लावरिंग चाहिए थी, लेकिन अब मैंने इसकी ट्रिमिंग कर दी, फूल बहुत कम आ रहे हैं। अब देखिए वाइट वाले की भी यही स्थिति है कि बहुत कम फूल आ रहे हैं।
तो कोई बात नहीं, अब सीजन जो सीजनल प्लांट होते हैं उनका ऐसा ही होता है कि वो आपको 2-3 महीने तक तो खूब भर भर के फूल देते हैं, कुछ प्लांट कुछ ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं सीड बना करके, और कुछ प्लांट जो हैं वो रुक भी जाते हैं, जैसे हमारा गजानिया है, डाइंथस है, तो ये प्लांट हमारे रुक भी जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसके सीड पॉड होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। देखिए, ये इसका सीड पॉड है और शुरू में ये इस तरीके से दिखते हैं, फूल झड़ने के बाद में ये ऐसे दिखते हैं, और उसके बाद में फिर ये इस तरीके से सीड पॉड इसके बनते हैं। तो समय रहते हुए कलेक्ट कर लें, वरना अभी तक तो इसके सीड मैंने देखे ही नहीं है, अब सीड पॉड दिख रहा है। तो समय रहते हुए मैं इसको कलेक्ट करूँगी, रोज़ मैं इसको देखूँगी कि इसके ये कब ड्राई होता है और कब इसके सीड मुझे मिल पाते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने आप लोगों को इम्पेशंस के सीड पॉड का दिखाया कि सीड पॉड इस तरीके से बनते हैं इम्पेशंस में, ऐसे शुरुआत में और फिर बड़े होते जाते हैं, तो इस तरीके से दिखते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इम्पेशंस है तो सीड पॉड बन रहे हैं, तो इस तरीके से सीड पॉड आप बनने दें और इसको जो है इसके सीड कलेक्ट कर लें नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इसको देखकर अब मुझे ये लगता है कि कोई भी प्लांट शायद ऐसा नहीं है जो सीड ना बनाता हो, क्योंकि नर्सरी वाले जो हैं वो सोचते हैं कि हम लोगों को इतना नहीं पता होता है, इसलिए वो हर एक चीज़ के लिए कह देते हैं कि नहीं, इसके सीड नहीं बनते हैं, इसको ऐसे ही हम लोग कटिंग से ग्रो करते हैं या कुछ इस तरीके से बोल देते हैं, लेकिन सीड हर उसके बनते हैं। तो आप लोग भी अपने प्लांट्स में ध्यान दें, और अगर आपको सीड पॉड बनते हुए दिख रहे हैं तो आप उसके सीड जरूर कलेक्ट कर लें, तो आपके जो है गार्डन में काफ़ी सारे प्लांट्स उगेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। और बहुत सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो मेरा पिंक वाला जो था वो ख़राब हो गया, लेकिन अब ये दोनों जो हैं इसके या तो मैं सीड रखूँगी और मेरा प्लांट बच गया, तो बहुत ही अच्छी बात होगी फ्रेंड्स। उम्मीद कम है लेकिन फिर भी इसको ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी तो आए और लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।